हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं एसबी मीम 4 चैनल से वाक्या सीन है, एपिसोड 138, लप्पू सा सचिन डैंक मीम। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डो चेक इट आउट। अच्छा, जैसे कि हार्दिक पांडे के साथ लगातार कुछ ना कुछ गलत होते जा रहा है। आईपीएल में उनको ट्रोल किया जा रहा था, अब आईपीएल खत्म हो तो उनकी वाइफ उनको डाइवोर्स दे दी, और तो और उनका 70% प्रॉपर्टी जो है वो खुद ले रही है। तो ये सब देखने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? अरे रुको जरा, सबर करो। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा उसकी बीवी के लिए। नाइस, बोलिए। कि दुश्मन मिले 1000, लेकिन ऐसी बीवी ना मिले कभी। क्या क्या बोलता है, कट 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 कट। अभी हुआ नहीं है जो उसको इमेंस फालतू में हेट मिल रही है। हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, जमीन है, हमारे पास गाली है, दे दे। इसका जवाब मैं शायरी से दूंगा। हाँ, शायरी से दे दो, दे दो। जिसका नाम है गुंजन, हाँ। वो सुना है नहीं करती मंजन। जिसका नाम है गुंजन, वो सुना है नहीं करती मंजन, लड़ती रहती है मुझसे दिन और रात, कहाँ गए इस लड़की के दाम। बच्चे चिंता मत करो, एक रुपए में दो आम मिलता है तो दो आम का दाम बताइए। एक रुपए में दो आम मिलता है, हाँ, तो दो आम का दाम। आम का क्या आम का दाम? दो आम, चार होंगे। वाओ, एक रुपए में दो आम मिल रहे हैं तो दो आम का दाम भी एक ही रुपए होगा। क्या पागल है क्या? इस घर में ले देखे बापूजी समर और काव्या ही है जो नॉर्मल है, तो हम क्या एलियंस है भाभी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ए, एलियंस भी तुमसे बेटर होते होंगे पाखी। और भाई इस बार बड़ी तगड़ी होली खेली, अभी तक रंग नहीं उतरा। लेकिन इस बार तो मैंने होली खेली ही नहीं। काले का मजाक नहीं उड़ाने का। अच्छा, हमको भी दिख रहा है वाले लड़के आपको दिख रहा है ना? तो नहीं देखे। मैं गिरा होया पंता जमा नीच बली है। मम्मी, हाँ, ये लाइफ बहुत बेकार चल रही है। शादी कर ले, अच्छी चल जाएगी। फिर पापा जैसे लोगों की बुरी जाती, इनका क्या? थैंक यू पापा। हर किसी के पास आपके पति की तरह चार पिछवाड़े नहीं होते। दो कुर्सी में रखे, दो नीचे लटक रहे। टांगे वाला लंबा है मैडम लंबा। भूत इसी चीज का आजकल। रिलेशनशिप भाई, मैं दो दिन पहले ही गया रिलेशनशिप। अरे वो लड़की पागल। भाई किसकी इतनी अच्छी किस्मत है भाई? तुम्हारा डंडा ही टूट गया। भाई मैं तुमको बाद में बता दूंगा। हाँ, और कोई लड़की के साथ अगर तुम्हें वीडियो करने देखा तो घर में घुस के मारो। ये तो सब गुंडा लोग भाग रहे। गाइस, हम लोग इतने मिल रहे कि इतनी धूप में इतनी पसीना हो रही है और हम लोग यहाँ पे लड़के तोड़ रहे हैं। पर अच्छे दिख ही नहीं रहे, अच्छे सुंदर लड़के नहीं दिख रहे। बेबी एक बात बताओ, अगर दूध में बाल गिर जाए तो बाल निकाल कर दूध पी सकते हैं? हाँ बेबी, पी सकते हैं। अच्छा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। Really? वैसे तुमको पता है क्या तुम सबसे जल्दी क्या बना लेती हो? क्या बनाते हैं? हाँ, कॉफी। चाय नहीं, कॉफी नहीं, मूव। देखो बन गया ना। लॉन्ग आंसर ओनली वाली नहीं है। कई बच्चे कह रहे हैं पेड बैच मिलेगा, ठीक है, और कई बच्चे कह रहे हैं कोर्स मिलेगा, आईफोन मिलेगा। ये लो यार, तुम ले जाओ, ठीक है, आओ मिलो, ले जाओ। लड्डू मिलेगा,
वेरी गुड, आईपैड मिलेगा नौरा फत कार का कूलर काम कर रहा है, ऐसी 50 कार घटे जो मेरे पास, समझ गया? तुम्हारा वॉशिंग सेंटर है क्या? भाई तुमने लिख रखा है इसमें कि तुमको 6 बीवियां चाहिए। हाँ, ये क्या सीन है भाई? हर दिन नहीं नहीं, अच्छा 6 बीवियां चाहिए, नहीं नहीं, डॉग पैसिव इनकम। और सातवें दिन क्या करोगे? 6 दिन के लिए तो 6 बीवी, सातवीं इसे 6 बीवियां चाहिए। अरे भाई ये क्या कर रहा है? कुछ भी बहन, चिड़िया को पानी डाल रहा हूँ यार, क्योंकि इन्हें भी तो हमारी तरह प्यास लगती होगी ना। हाँ यार, ये तो धटमंडी का काम कर रहे तू। ठीक है समरिया। अच्छा वैसे मैं ये कह रही थी हम बाहर जा रहे हैं, तेरे लिए कुछ सामान लाना है। हाँ, 1 किलो चिकन ले आई हो। तुमने तो पूछना नहीं है, मैं ही पूछ लेती हूँ। वापस चलोगे? देख 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 भले ही है 16 आइडिया टूट गई हो, लेकिन तुरंत तैयार। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें। क्या हुई? रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसी देखती तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। Hey, I'll come look at this. Guys, पीयूष को डाउट हो रहा है। पीयूष कह रहा है कि ये विक हो सकती है। हो सकती है, इतने बड़े कहाँ होते हैं। एक बार टेस्ट करा दो यार। टेस्ट करो। लो टेस्ट कर लो गाइस। ये देखो खींच के आज के। अच्छा। देख टेस्ट खुद ही टेस्ट कर ले। हो सकते हैं, ठीक है? हैं? रामायण काल में, महाभारत काल में, सतयुग में होते थे, मेंस के भी इतने लंबे बाल होते थे। सबके रियल हैं एकदम। ये देखो पीछे देखने में ऐसा लग रहा है कोई औरत खड़ी है। आंटी जी, आंटी जी, जैसे कि आपको पता है इंडिया में कितनी गर्मी पड़ रही है, आपको इसका रीजन पता है? तुम जैसी लड़कियों की वजह से। तुम जैसी लड़कियों की वजह से क्यों? तुम होती इतनी ऑटो अलर्ट कर रहे हो। नहीं, अलर्ट कर रहा हूँ लड़कों को। अलर्ट वो क्यों? अगर तुम जैसी लड़कियों को लड़कों ने मुंह लगा लिया तो उनकी रूह कांप जाती है। अच्छा, क्यों? हमें ऐसा क्या? धोखेबाजी। जहाँ धोखेबाजी और ये इसका नाम आया, वहाँ पे लड़के बड़े सहज हो जाते हैं, जैसे खुद तो बहुत दूध के दूल्हे हैं। हम अहिंसा में बिलीव करते हैं, नहीं तो मारते बहुत, झापड़ मारते तुम लोग। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। अरे यार, ये साले डूब के मर जाएंगे। और ये इंटरव्यू देखो, पहले इंटरव्यू के लिए जो नेसेसरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो मुद्दा क्या होता है, क्या होना चाहिए, ठीक है, वो सब चीजें भाड़ में गई। ठीक, हाथ में बस एक कंघी, माइक, लकड़ी का टुकड़ा, कुछ भी आ जाए, ठीक है, बस पकड़ के बस सवाल पूछने हैं। तुम जैसी लड़कियों की वजह से फलाना डिमका जो भी है, ठीक। तो बच्चे, अभी पहले दाढ़ी मूछ तो आ जाने दो, अच्छे से दाढ़ी मूछ तो आ जाने दो, वो लड़की को भी फुल्ली ग्रोथ हो जाने दो, है ना, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा। धोखेबाजी और ये और वो, इतना मतलब खुद को इतना ज्यादा इनोसेंट समझ लेते हैं कि हाँ इनके मतलब कभी इनकी कम्युनिटी तो कभी धोखाधड़ी करती ही नहीं है ना, लड़कों की कम्युनिटी कभी धोखाधड़ी करती ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। अरे मजाक है क्या? सिर्फ लड़कियों के ही तो खून में धोखा होता है, बस वो तो सारे दूध के दूल्हे होते हैं, है ना, शिवलिंग के बजाय इन्हीं पे दूध चढ़ा देना चाहिए, बहुत बहुत दूध के दूल्हे होते हैं ये। भाई खुद को ना एक बार जरा आईने में देख लिया करो, ठीक है, और उन लोगों से, उन लड़कियों से भी पूछ कर आया करो जो खाई है ऐसा धोखा, ठीक है, उन्हें पूछ कर आया करो कि तुम्हें किसी लड़की ने धोखा दिया था या लड़के ने धोखा दिया था, तब पता चल जाएगा। हले हद हो गई यार, कभी कभी दुख होता है भाई, हमारी भी फीलिंग्स है, कभी कभी दुख होता है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।